इस लेक्चर में हम देखेंगे कि टैब्ल्यू के अंदर डेटा किस तरीके से इंपोर्ट किया जाता है। पहली बात यह है कि आपके पास डेटा होगा तो आप उसकी कोई विजुअलाइजेशन बना सकेंगे। अगर आपके पास डेटा ही नहीं है तो भाई क्या करेंगे, सोचें ज़रा, सोचो। सोच लिया तो अपना डेटा भी आप लेके आ सकते हैं, लेकिन जब आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे हमारे लेक्चर्स के ऊपर तो मैं आपको ऑनलाइन डेटा से किस तरीके से आप काम कर सकेंगे वो बताऊंगा। और इस लेक्चर के अंदर हम टैब्ल्यू की वेबसाइट से सैम्पल डेटा उठाएंगे और फिर उस पर काम करेंगे। लेट्स जंप इनटू इट। स्क्रीन आपके सामने, आपने क्या करना है, टैब्ल्यू पब्लिक की जो वेबसाइट आपको बताई हुई है वहीं पर आपने चले जाना, public.tableau.com/app डिस्कवर के अंदर, और यहाँ पर लर्न पर आपने क्लिक करना है, फिर सैम्पल डेटा पे आपने क्लिक करना है। जैसे आप सैम्पल डेटा पे क्लिक करेंगे, यू हैव दीज सैम्पल डेटा अवेलेबल देयर। सुपर स्टोर सेल्स का डेटा है, फिर द 2014 इंक्लून 5000 डेटा है, ठीक है, ये एक कंपनी का या मैगजीन का डेटा हो गया, एम्प्लॉयमेंट डेटा है, एंड देन यू हैव इंटरटेनमेंट डेटा। कोई भी आप यहाँ से डेटा आप जो है वो उठा सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से एयरबीएनबी लिस्टिंग का डेटा या यूनिवर्सिटी एडवांसमेंट डोनेशन एंड गिविंग का डेटा उठा लेता हूँ, या यूके यूनिवर्सिटी रिसर्च एक्सीलेंस फ्रेमवर्क रेटिंग का डेटा उठा लेता हूँ, एडीएक्स ऑर्गेनाइजेशन का एडीएस ऑर्ग का एकेडमिक ईयर 2012 से 2013 का डेटा उठा लेता हूँ, या अमेरिकन यूनिवर्सिटी डेटा। तो मैं अमेरिकन यूनिवर्सिटी डेटा के ऊपर क्लिक करता हूँ और ये डेटा मेरे पास डाउनलोड हो गया। यहाँ पे IPEDS_data एक्सेल की शीट के अंदर ये डाउनलोड के फोल्डर के अंदर चला गया, एंड यू कैन सी दैट हियर ये मेरे पास एक्सेल की शीट के अंदर डेटा आ चुका है। अब इस डेटा को मैं क्या करूँगा, इसको कॉपी करूँगा या कट करूँगा। डॉक्यूमेंट्स में ऑलरेडी जब हमने टैब्ल्यू को इंस्टॉल किया हमारे पास एक फोल्डर बन गया जिसका नाम है माई टैब्ल्यू रेपोजिटरी। मैं आपको जूम इन करके यहाँ पर दिखा देता हूँ। तो ये इस तरीके से हमारे पास फोल्डर बन गया, इसके अंदर मैं ओपन करता हूँ। इसको ओपन करने के बाद हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास काफ़ी कुछ आ रहा है, ठीक है। सो हम यहाँ पे माई टैब्ल्यू रेपोजिटरी भी है, और यहाँ पे हमारे पास अगर हम टैब्ल्यू को ओपन करें तो आपको यहाँ पे मैं दिखाऊंगा, ये टैब्ल्यू को ओपन किया, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पे आप क्लिक करेंगे तो माई टैब्ल्यू डेटा रेपोजिटरी के अंदर डेटा सोर्सेज हैं। तो आपने क्या करना है, इसको डेटा सोर्सेज के अंदर पेस्ट कर देना है। तो मैंने इस एक्सेल की शीट को डेटा सोर्सेज के अंदर पेस्ट कर दिया। इन दिस वे इट विल बी ईजियर फॉर मी टू अपलोड द डेटा। जैसे मैंने इसको वहाँ पे किया तो ये मेरे पास टैब्ल्यू के अंदर आ गया। मैं आपको टैब्ल्यू दोबारा से ओपन करके दिखाता हूँ, एंड देन वी विल सी कि ये डेटा किस तरीके से आया। ये मेरे पास टैब्ल्यू पब्लिक पड़ा हुआ है, मैं डबल क्लिक करता हूँ, ये मेरे पास टैब्ल्यू डेस्कटॉप पब्लिक का वर्जन जो है वो ओपन हो गया। मैंने यहाँ पे एक्सेल की शीट जो है वहाँ से डेटा लेना है, मैं इस पर क्लिक करता हूँ, ये मेरे पास डेटा रिसोर्सेज के अंदर आ गया। अदरवाइज यू कैन ऑल्सो फाइंड इट आउट Anywhere where you have your folder। मैं यहाँ पे क्लिक करके इसे ओपन कर लेता हूँ, और जैसे मैंने इसे ओपन किया एंड नाउ यू विल सी कि जैसे मैं डेटा को ओपन करूँगा तो मेरे पास डेटा कुछ इस तरीके से आ जाएगा। डेटा है, डेफिनेशंस हैं, नोट्स हैं और वेरिएबल्स हैं, एंड देयर आर मैनी अदर थिंग्स अकॉर्डिंग टू द डेटा। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ऐसे मैं क्लिक करूँगा तो मेरे पास डेटा के डिफरेंट किस्म के कनेक्शन जो हैं वो यहाँ पे बिल्ड हो गए हैं, एंड नाउ यू कैन सी कि मेरे पास ये डेटा यहाँ पे अवेलेबल है। अब हम क्या कर सकते हैं, देयर आर मैनी अदर थिंग्स विच वी हैव टू डू व्हेन वी डू दिस काइंड ऑफ डेटा एनालिसिस, ठीक है। सो पहली चीज़ ये है कि ये शीट्स हमारे पास अवेलेबल हैं। शीट्स इसी तरीके से जैसे आपके पास कोई भी डेटा आप अपलोड करते हैं तो वो डेटा यहाँ पे अवेलेबल होता है। डेटा सोर्सेज पे क्लिक करेंगे तो ये आपके पास डेटा अवेलेबल होगा। यूज़ डेटा इंटरप्रेटर, तो यहाँ पे आपके पास माइट बी अवेलेबल। आपके पास डेटा इंटरप्रेटर जो है वो आपकी क्या करेगा, क्लीन योर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कबुक, ये ऑटोमेटिकली उसका डेटा लेगा एंड देन इट विल वर्क ऑन दैट। तो डेटा की डेफिनेशन क्या क्या है, हमारे पास कौन कौन सा डेटा है, सो ऑन एंड सो फॉर, सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे आ गई हैं। सो दिस इज़ हाउ यू कैन एक्चुअली अपलोड योर डेटा इन टैब्ल्यू। अब हमने ये अपलोड तो कर लिया, अब अगला कौन सा स्टेप है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताता हूँ। ठीक हो गया, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें। मैं जानबूझ के छोटे छोटे वीडियो बना रहा हूँ ताकि आप अच्छे से डाइजेस्ट कर सकें छोटे छोटे टॉपिक्स को। क्या ख्याल है, लाइक तो बनता है ना ये वाला? That's good. See you in the next one.